आज हम सीख रहे हैं अटेंडेंस शीट को आगे करेंगे काम। मतलब हमने लास्ट क्लास में ये किया था कि किस तरह से इसका डिज़ाइन बनाया था, यानी कि फॉर्मेट, और उसके बाद इसमें लिस्ट आइटम्स वगैरह को ऐड करना शुरू कर दिया था। अब इसके आगे हम देखेंगे, ये तो हो गया काम। मतलब मिसाल के तौर पे टीचर कोई भी होगा वो इसमें प्रेजेंट एब्सेंट करता रहेगा स्टूडेंट्स को, और वो प्रेजेंट एब्सेंट होते रहेंगे। तो एक अच्छा मामला कर लेते हैं हम इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये एंट्रीज इस तरह से हैं। अब हमें आसानी चाहिए होती है हर चीज़ है ना। हमने ये काम जो किया ये भी अपनी आसानी के लिए किया, और आगे भी हमें आसानियाँ चाहिए होंगी इन चीज़ों के लिए। आसानी से मतलब ये कि अब देखिए, अगर आपको कहा जाएगा ये देखो, तो आप देख तो रहे होंगे सारे, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, सब देख रहे हैं। लेकिन अब आपको अगर कहें प्रेजेंट काउंट करो, एब्सेंट काउंट करो, तो ये थोड़ा दुश्वारी होगी आपको। क्योंकि इंसानी आँख के लिए ये कहा जाता है कि वो एक जैसे कलर के अंदर फाइंड करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो डिफरेंट कलर्स के अंदर उसको कलर्स के अंदर समझने में आसानी होती है। तो अगर कोई काम इस तरह हो जाए कि भाई प्रेजेंट जितने वो ग्रीन हो जाएँ, एब्सेंट रेड हो जाएँ, और जो लीव हैं वो येलो, या इस तरह के कोई इंडिकेटर बना लें। फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं कि भाई प्रेजेंट जो है वो दिखाओ सेल ग्रीन के अंदर, जो एब्सेंट हैं वो सेल दिखाओ रेड के अंदर, और टेक्स्ट उसका कर दो वाइट, और जो लीव हैं वो सब दिखाओ सपोज येलो के अंदर, और हॉलीडेज जितनी भी आ रही हैं वो दिखाओ इसके अंदर, और जो क्या है हमारे पास संडेज जितनी भी आ रहे हैं वो इसमें दिखा दो, और जो हमारे पास आएंगे नेक्स्ट सैटरडेज वो इसमें दिखा दो। सही, तो आसान हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से करेंगे ना टेक्स्ट कलर वाइट से कलर। अब सवाल ये पता होता है कि सर ये एक एक को करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, वाकई टाइम लगेगा। मैंने इसको क्या कोई ऐसा तरीका जो ऑटोमेटिकली हो जाए, तो एक्सेल में एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। क्या ऑप्शन है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट तो देना है पर कंडीशन के ऊपर, किसी बात के ऊपर। तो हमने कौन सा कलर डिसाइड किया, ये वाला कलर प्रेजेंट्स के लिए। अभी कैसे होगा, तो हम ये करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पहला सेल, और यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से आ गए हम नीचे, ये देखें, और हम कहेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, उन पर हाईलाइट करो सेल्स को जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ हो। कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ हो? पी। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि उसका कलर कैसे कर दूं। मैंने कहा कस्टम फॉर्मेट, और उसका कलर कर दो फिल। कौन सा कलर लिया था और क्या करूंगा इसको? ओके, और क्या करूंगा? तो आप वाजे तौर पे देख सकते हैं जितने भी पी लिखे हुए थे वो किस कलर के हो गए। सिलेक्शन आपको खत्म करना नहीं है, सिलेक्शन करके रखना इस तरह एब्सेंट के लिए बता दें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट टेक्स्ट, टेक्स्ट डेट कंटेंट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए। और उनका कलर कैसा कर दो? ये वाला रखा आपने, ये तो हो गया बॉक्स का कलर। अंदर जो करना है फॉन्ट, फॉन्ट का कलर का है ये रहा, कौन सा रखना है? वाइट। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? तो जो वहाँ पर रखा वही रखना पड़ेगा या मर्जी? ये तो मैंने आपको बताया कि अब ये कलर तो मैं आपको करके दिखा। लीफ के लिए क्या रखना है? येलो। अब यही बार बार रिपीट करते रहे पर सिलेक्शन के बाद। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ये सारे, ठीक है। और कौन सा है? हॉलीडे के लिए। और कौन सा है? संडेज के लिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा। तो ये देखें एक बेहतरीन तरीका हो गया। इसका फायदा क्या हुआ, अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रेजेंट होगा तो ग्रीन हो जाएगा, एब्सेंट होगा तो रेड हो जाएगा, अगर उसको एब्सेंट करेंगे तो रेड हो जाएगा, लीव पे लगाएंगे तो येलो हो जाएगा, और ये आपका काम हो गया बेहतरीन। ठीक है, अच्छा जी। अब टीचर के पास दूसरा टास्क आएगा कि फॉर एग्जाम्पल जो है जब मंथ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मन जब खत्म हो जाएगा तो टीचर को क्या रिपोर्ट बनानी है, कितने स्टूडेंट क्या थे प्रेजेंट, कितने एब्सेंट रहे, कौन कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट रहा, कौन कौन सा प्रेजेंट रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो अब ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कैलकुलेशन तो चाहिए ना, अब वो टीचर खुद कैलकुलेट करे
तो हम एक्सेल से ये काम भी ले लेते हैं कि एक्सेल उसको खुद कैलकुलेट करे। तो आ जाए एंड के अंदर हम ऐड करा लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं तीन कॉलम, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव। प्रेजेंट के लिए इंडिकेटर पी यूज करेंगे, एब्सेंट के लिए ए यूज करेंगे और लीव के लिए एल यूज करेंगे। चले यही फॉर्मेट इसको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या फॉर्मेट दे रहे हैं हम इसको, तब बहुत हम यहाँ आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया हमने और ये उस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हमने इसके बॉर्डर को भी सेट करना है। तो चले एक दफा फिर बॉर्डर्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये कह देते हैं ऑल बॉर्डर टिक बॉक्स बॉर्डर। अब कैलकुलेट कैसे कराएंगे, यहां पर आपको एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जिसका नाम है काउंट। इफ ये काउंट इफ फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे लाइक पी, इसको काउंट करेगा और आगे लिख देगा जितनी बार भी आएगा। अच्छा ठीक है, ये काम कैसे होगा, सही आप समझ लें, आप समझिएगा बोर्ड से। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये फंक्शन हमें काम लेगा फॉर्मूला मैथ्स एंड ट्रिक्स क्या है तो सब नहीं इसमें नहीं है, क्या होगा इंजीनियरिंग में होना चाहिए स्टैटिस्टिकल फंक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, ये देखिए इसमें जाएंगे हम और स्टैटिक स्टैटिस्टिकल फंक्शन में जाएंगे और यहाँ मिलेगा हमें काम, नोट कर ले में कहाँ से मिलना है। ये आपसे पूछेगा रेंज, यानी कि मुझे बताओ कहाँ से गिनना है और कहाँ तक गिनना है और बताएगा किसको गिनना है। हम इसको बताते हैं भाई तुम्हें पहले कैंडिडेट की फर्स्ट डेट से लेकर, मतलब ताहिर बेग का ये पहला सेल है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कहीं गलत बता दें, क्राइटेरिया नहीं बताना, रेंज में बताना, रेंज बताना। ठीक है, दोबारा देखें, देखिए ना नीचे ना ऊपर, सिर्फ ताहिर बेग वाला भाई सी फोर से लेके ए जी फोर तक सर्च करो। पूछ रहा है क्या सर्च करूं, इसके अंदर तो ये सारी चीजें मौजूद है। अब आप बताएंगे क्या सर्च करो बेटा, ये सर्च करो, इसमें क्या लिखा हुआ है पी, क्या सर्च करना है इसको पी। अब क्या करेंगे, ओके, अब ओके करने में तो ये मसला होगा कि सिर्फ यही काउंट होगा, yes, और अगर हमें इसको भी करना है इसको भी करना है तो बार बार यही काम करना पड़ेगा, तो एक दफा करें और आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए ये तो आपको पता है कि मैं फार्मूला लगा के जैसे ओके करूंगा तो ये इसका काउंट करके बता देगा, yes, पर जब ब्रेक करूंगा तो आपको पता है यहाँ भी कॉलम चेंज होगा और यहाँ भी कॉलम चेंज होगा, yes, और जब मैं नीचे करूंगा तो ये रो चेंज हो जाएगी, इस पर आ जाएगी, क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम को फिक्स करेंगे ताकि जब मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूं तो कोई प्रॉब्लम ना, और यहां पर इस कॉलम को फिक्स करेंगे, दोनों रेंजेस को फिक्स कर दिया। अब भले जितना इधर आगे चले जाओ ये वहीं रहेंगे। अच्छा जी, इसके कॉलम को मैं फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि आगे वाले एब्सेंट और लीव पर जाना है, लेकिन नीचे आने के लिए इसकी रो को तो फिक्स करना पड़ेगा, तो क्राइटेरिया की मैं क्या फिक्स कर दूंगा, रो नंबर थ्री को मैंने फिक्स कर दिया, ऊपर कॉलम को फिक्स करेंगे, ऊपर कॉलम क्राइटेरिया की रो। भाई अब क्या होगा, ओके, कितने काउंट किए, इसी फॉर्मूले को मैंने ड्रैग किया यहाँ यहाँ और इसी फॉर्मूले को ड्रैग किया यहाँ और उसको किया सेंटर। ठीक है, ओके, आप चले जी, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, प्रेजेंट, प्रेजेंट, लीव, लीव और एब्सेंट। चलो जी मंथ के आखिर में देख लें, नो,